ऊंचे ऊंचे पर्वतों और गहरे सागर तट पर बसा भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित हरियाली से भरा एक खूबसूरत राज्य। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस राज्य की जहाँ हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार 4 लड़ाइयाँ लड़ी, यानी कि केरल राज्य के बारे में। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग केरल राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियों को जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी मालाबार तट पर स्थित भारत का अग्रणी राज्य है। यहाँ की शासकीय भाषा मलयालम एवं अंग्रेजी है तथा राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अगर दोस्तों हम लोग जनसंख्या के मामले में इस राज्य की बात करें तो केरल भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। तो आइए दोस्तों केरल के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। केरल राज्य मैसूर वंश का घर रहा है, जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार 4 लड़ाइयां लड़ी थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तिरुवनकोर राज्य का गठन 1 जुलाई 1949 को हुआ, जिसे बाद में नाम बदलकर केरल नाम दिया गया। 1991 में केरल भारत का पहला पूर्ण शिक्षित राज्य बना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग केरल राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो केरल राज्य की सीमाएं उत्तर में कर्नाटक एवं पूर्व में तमिलनाडु से लगती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अन्नामुदी पहाड़ी केरल की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2995 मीटर है। केरल राज्य में 44 नदियां हैं, जिसमें से 41 पश्चिम में तथा 3 पूर्व में बहती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है, यानी कि इस राज्य की साक्षरता दर 94% है। इसके अलावा दोस्तों लिंगा अनुपात के मामले में भी केरल राज्य भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। इस राज्य में आपको 1000 पुरुष पर 1024 महिलाएं मिल जाएंगे। केरल भारत का सबसे कम भ्रष्ट राज्यों में से एक है। दोस्तों क्या आपको पता है इस राज्य की औसत जीवन दर लगभग 77 वर्ष है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। इसका मतलब दोस्तों यहां के लोग ज्यादा जीवन जीते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है भगवान अयप्पा का मंदिर यानी कि सबरीमाला केरल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोच्चि केरल का प्रमुख बंदरगाह है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जो भारत के 91% रबर का उत्पादन सिर्फ केरल ही करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केरल अदरक केले चाय एवं कॉफी उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य है। केरल में मसालों के बड़े बड़े बाग हैं, इसीलिए इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। 18वीं सदी तक केरल का एक तिहाई हिस्सा घना जंगल था, लेकिन वर्तमान में 1/4 हिस्सा ही जंगल है। 2004 के एक आंकड़े के अनुसार भारत की 25% यानी कि 15,000 पौधों की प्रजातियां सिर्फ केरल में है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आज भी आयुर्वेद का चिकित्सा में इस्तेमाल होता है, जहां लोग आजकल छोटे मोटे डॉक्टरों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन देखिए केरल राज्य को, जहां आज भी आयुर्वेद का चिकित्सा का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों क्या आपको पता है राष्ट्रीय राजमार्ग 47A भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, जिसकी लंबाई सिर्फ 6 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग केरल राज्य में स्थित है।
दोस्तों क्या आपको पता है विश्व में सबसे पहले सागवान के वृक्षों का बगान केरल में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व का एकमात्र सागवान संग्रहालय यहीं मौजूद है। तो दोस्तों आज इतना ही। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको केरल राज्य के बारे में कौन कौन सी बातें अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।